ग्रीन एनर्जी को भी एक नया ऑर्डर मिला है और ये हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर है, विंड सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर है। एक बार पार्थिव से समझते हैं। पार्थिव मॉर्निंग, ये केपीआई ग्रीन को जो नया ऑर्डर मिला और जितनी भी पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको ये ऑर्डर मिलने हैं और उनकी री रेटिंग काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन अब इस पूरी जो सप्लाई चेन है, जो पूरी वैल्यू चेन है, इसमें अब कौन से फेस की कंपनीज पर अब ज़्यादा बेट करना चाहिए? क्योंकि ऑफकोर्स वैल्यूएशन अब सस्ते नहीं रहे, क्या जनरेशन वाली कंपनीज में अभी भी इंटरेस्ट बना रहेगा या फिर हम अब थोड़ा सा फेज आउट करके अब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में देखना चाहिए? कैसे इस पूरे थीम को प्ले करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। सी देखिए, आई थिंक ये जो पूरा सेक्टर है पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, यहाँ पे पिछले 9 साल में हमने देखा है कि कोई मेजर कैपेसिटी एनहांसमेंट या एडिशन हुई नहीं है। अभी ऑल ऑफ अ सडन हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे डीकार्बोनाइजेशन एक बहुत बड़ी थीम बन रही है। हम इसमें दो राय नहीं है कि जो थर्मल पावर प्लांट है काफी एफिशिएंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, और थर्मल पावर प्लांट के बिना कोई भी कंट्री का जो पावर जनरेटिंग है वो पॉसिबल नहीं है। और इंडिया में आज की तारीख में हमने देखा है कि 70-80% अपना जो पावर है वो थर्मल पावर की कैपेसिटी से आ रहा है। सो आज की तारीख में अच्छी बात यह है कि काफी कंपनीज जैसे कि टाटा पावर एक कंपनी है जो मैं काफी पसंद है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। द रीजन बीइंग कि ये जो कंपनी है उसके पास जो ट्रेडिशनल थर्मल पावर की एसेट्स है जिसमें अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है, वो लोग आगे जाते हैं उनका जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको काफी एनहांस कर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को 3 फायदे मिलते हैं। एक तो ये पावर जनरेटिंग यूटिलिटी कंपनी है जो उसका प्रोडक्ट मिक्स काफी एनहांस कर रहा है, जो काफी एफिशिएंटली कर रहा है, और बाय 2030 दे आर टारगेटिंग ऑलमोस्ट 50% उनका जो पोर्टफोलियो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, और वहां पे वो टारगेट ऐसा भी करे कि उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। नॉट ओनली दैट, ये कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन एसेट भी है, और जो थर्ड बिजनेस है जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं फॉर सोलर रिन्यूएबल पावर एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे भी कंपनी को बहुत अच्छे तरह के ऑर्डर्स मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है यहाँ पे, और आने वाले 5 साल की विजिबिलिटी डेफिनेटली दिख रही है जिस तरह की डिमांड है। और हमने देखा है कि ग्रिड की भी डिमांड काफी सुधर रही है, और ये जो कंपनीज अभी नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक टाटा पावर जैसी कंपनी अच्छी रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रक्चरल स्टोरीज तो इन सारे स्पेस के स्टॉक्स में हैं, और वन ऑफ द स्टॉक को हम डिस्कस कर रहे थे जिस पर बुलिश व्यू पार्थिव का इतने बड़े रनअप के बाद भी बना हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेट्स हैं जिस पर आपको भरोसा लंबे समय के लिए करना होगा। रिवॉर्ड कर रही हैं कंपनीज लगातार। ठीक है पार्थिव, चर्चा आपसे आगे भी जारी रहेगी, लेकिन